नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक, दो या तीन नंबर में से कोई एक नंबर आपने चुनना है, और देखिए, जानिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचता है। आप सामने वाले पर्सन की कैटेगरी में आप किन्हें रखेंगे? फ्रेंड्स को रख सकते हैं, लवर को रख सकते हैं, इसके अलावा आपका कोई रिलेटिव है उनको रख सकते हैं, क्योंकि इन फैमिली मेंबर को रखना, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर, तो ये कोई तुक नहीं बना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली है, हमसे कनेक्टेड है। और जितना मर्जी अब इनके बारे में सोच लें, कुछ गलत थॉट भी सोच लें, तब भी हमारा इनके साथ जुड़ाव है और हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, भला ही सोचते हैं हमारा। तो ये जो उपाय है आप उनसे अलग होकर करेंगे, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स का नाम लेकर सोचकर कर सकते हैं, कोई रिलेटिव है या आपका लवर है, इन तीनों में से आप किसी का भी नाम पकड़ लें, सोच लें, और उसके बाद 1, 2, 3 में से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करें और जानिए कि उसके मन में आपके लिए क्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो अब बता देते हैं कि अगर आप हमसे कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें आपने एक, दो या तीन में से कोई एक नंबर को सिलेक्ट करना है। पहले आप 2 मिनट अपने मन में सोच लीजिए कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो नंबर 1 से कनेक्ट हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि मुझे तो नंबर 1 चूज करना है। बहुत से लोग हैं जो नंबर 2 की तरफ झुकाव महसूस करें कि मुझे नंबर 2 चूज करना है, और बहुत से लोग हैं जो नंबर 3 की तरफ जाएंगे कि मुझे नंबर 3 सिलेक्ट करना है। तो आपको बता देते हैं, जो बहुत से लोग हैं जो नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके थॉट्स, जो लोग 1 की तरफ जा रहे हैं उनके थॉट्स, उनका नेचर 1 जैसा ही होगा, क्योंकि वो उनका डायरेक्ट माइंड 1 नंबर की तरफ गया है। और जो दूसरे नंबर के बारे में सोच रहे हैं उनका थॉट्स भी 1 जैसा होगा, क्योंकि वो उनका डायरेक्ट माइंड 2 नंबर की तरफ गया है, और जो 3 नंबर में भी सेम प्रक्रिया। तो बताते हैं कि उस अकॉर्डिंग आपका माइंड कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, 1 नंबर में, 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो अगर तो आपका ध्यान 1 नंबर में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जानते हैं, क्योंकि आप बहुत से लोगों में शामिल हो चुके हैं जो 1 नंबर की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और आपका उनसे नेचर भी जरूर मिलता है, ये भी पक्की बात है। और नेचर के अकॉर्डिंग भी हमारा सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे फर्क पड़ता है। तो 1 नंबर वाला, यानी कि जिसने 1 नंबर चूज किया है, अब वो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है आपको बताएंगे। जिस भी व्यक्ति के माइंड में फटाफट 1 नंबर आ गया है, आपने एक माइंड में नाम सोच लिया कि मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के बारे में पूछना चाहते हैं, और आपका मन सीधा 1 नंबर की तरफ गया कि मुझे 1 नंबर सेलेक्ट करना, तो बता देते हैं कि इस केस में जो सामने वाला पर्सन है आपके बारे में क्या सोचता है। इस केस में जो सामने वाला पर्सन होगा ना, वो थोड़ा सेल्फिश है। जब आपसे मतलब है तो आपके साथ बहुत एक्स्ट्रा स्वीट है, और जब आपके साथ मतलब नहीं है तो काम की बात करेगा, मतलब की बात करेगा, प्यार से भी बात करेगा, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आज आपका मूड, आज अगर उसका मूड अच्छा है, आपसे प्यार से बात करेगा, आपसे बड़े प्यार से बात करेगा, पूरा पूरा टाइम देगा। लेकिन जहां आज आपका मूड कम है, बात करने का मूड नहीं है, तो कुछ ना कुछ बहाना बना के, एक्सक्यूज बना के, या तो बात बंद कर देगा, या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाएगा, या छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा कर लेगा, या फिर यूं कह सकता है कि आपसे प्यार से ही रहेगा लेकिन थोड़ी कम बात करेगा पहले की अकॉर्डिंग, लेकिन जब उसका मूड अच्छा है तो वो बात करेगा। इसके अलावा अपनी बात ज्यादा कहेगा, आपकी बात कम सुनेगा। हर सिचुएशन में वे अपनी बात कह देगा अच्छे से, और वो आप उसकी बात सुन भी लेंगे अच्छे से, लेकिन जहां आपको अपनी बात कहनी है ना, तो वो अच्छे से नहीं सुनेगा, हाँ 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 जी ऐसे, लेकिन आपकी बात अगर आप उसे पूछेंगे मैंने क्या कहा था, वो इतनी डिटेल में बता ही नहीं पाएगा कि आपने क्या कहा था उसे। इस टाइप का नेचर होगा उसका आपके प्रति, और आपके प्रति वो थोड़ा सा सेल्फिश जरूर होगा। ये है 1 नंबर वालों का स्वभाव आपके प्रति। अब आगे बढ़ते हैं 2nd नंबर पे। तो अगर आपने 2nd नंबर चुन लिया है, वह व्यक्ति कैसा होगा? वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, लवेबल भी होगा, ईमानदार बहुत होगा आपके प्रति,
अगर आपको कुछ हो जाता है या आपके खिलाफ कुछ सुनेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया है, आपके लिए बेहद सीरियस होगा, केयरिंग भी बहुत होगा, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा और अग्रेसिव भी होगा। यानी कि थोड़ी छोटी छोटी बात पे चिड़ जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेना, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, ये चीजें होंगी। ईगो होगी उसके अंदर थोड़ी देर, कहते ना हमारे ईगो पर बात आ गई है, इस टाइप के होगा। लेकिन जहां आपकी बात आती है तो आपके खिलाफ है कुछ सुनेगा भी नहीं, केयरिंग भी बहुत होगा, लवेबल भी बहुत होगा, और इतना कह सकते हैं कि आपके साथ ईमानदार है, आपको नहीं छोड़ेगा। आपके साथ कुछ गलत होगा तो साथ खड़ा रहेगा, एंड तक खड़ा रहेगा। आपके पास जीरो जीरो है ना, अगर आप जीरो में भी पहुंच गए हो, बहुत नीचे पहुंच गए हो, तो भी वो और कोई होना हो वो है जो आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, आपके साथ ही रहेगा, इतना ईमानदार जरूर होगा। तो ये है सेकंड पर्सन के लिए। और थर्ड पर्सन आपको बताते हैं कि थर्ड पर्सन कैसा होगा। थर्ड पर्सन तो ऐसा है कि आपके सामने बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्वीट, आपको लगेगा कि इससे ज्यादा ख्याल तो शायद मेरा कोई रख ही नहीं सकता, लेकिन अंदर से जीरो फीलिंग्स, यानी कि आपके बारे में बिल्कुल कुछ भी थॉट नहीं है उसके मन में, कुछ भी नहीं है। जहां आप अच्छे चल रहे हैं आपके साथ एक्स्ट्रा स्वीट है, जहां आप एक कदम पीछे हट गए उसने 10 कदम पीछे हटा लेने, वो पूछेगा भी नहीं कि आप पीछे क्यों हटे, या आप मेरे से गुस्सा क्यों हो, या आप मेरे से नाराज क्यों हो। तो आपके लिए उसके मन में जीरो फीलिंग्स है, मतलब फीलिंग्स है ही नहीं। अगर आप उसके लिए अच्छा है, उसके लिए करे जा रहे हैं और वो लिए जा रहा है, तब तक आपके लिए अच्छा है। जब आपने करना छोड़ दिया, एक स्टेप पीछे हो गए, तो वो 10 स्टेप पीछे होगा, और तू कौन मैं कौन वाली सिचुएशन बड़ी जल्दी इस रिश्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये होंगे थर्ड नंबर सेलेक्ट करने वाले, जो आपके साथ साथ वो कैसे हैं या कैसा सोचते हैं, कैसा बर्ताव है, इस चीज को दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो बहुत सी चीजें आपको मेरी सही नजर आएंगी, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हम बनाते रहे, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं अगर आप चाहते हैं हमें बताना, तो वो भी जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर जरूर जरूर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।